वेलकम टू क्लास सिक्स। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में आपके कंप्लीट जो है कंपैरिजन से रिलेटेड टॉपिक है। कंपेयर करना नंबर को, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है, फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर, प्रेडिसर, मतलब ये कंप्लीट जो टॉपिक है वो सारा डिपेंड करता है कंपैरिजन पे, यानी कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू का साइन जो है वो अरेंज करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होते हैं वो नंबर ग्रेटर होता है, क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू बढ़ जाता है। अभी बात करते हैं, इसमें 6 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 डिजिट है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी या सबसे पहला काम आपका यही रहेगा डिजिट काउंट करना। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। आगे के डिजिट आपको सेम मिलेंगे लेकिन उनमें नंबर ऑफ डिजिट में डिफरेंस होगा, किसी में 5 डिजिट का नंबर होगा, किसी में 7 का होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम आप डिजिट काउंट करें, इसमें 6 डिजिट, इसमें भी 6 डिजिट, दोनों में डिजिट सेम है। मतलब अब अपन को एक एक डिजिट स्टार्टिंग से देखना है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 2, फिर 2, फिर 5, इधर भी 5, फिर 8, फिर 8, फिर 2, फिर 2, यानी इतना सब कुछ चेकआउट करने के बाद में हमको पता चला कि ये दोनों नंबर जो है वो सेम है। नेक्स्ट, इसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है, मैंने कोमा लगा दिए, उससे और अपने को हेल्प हो गया कि ये जैसे 1000 का कोमा होता है, ये लेख का होता है, और ये करोड़ का, यानी 2 करोड़, ये भी 2 करोड़ में। आगे का बस चेकआउट करते रहिए, 200, 200, फिर 36, फिर 36, यहाँ पे 583, यहाँ पे भी 583, यानी ये कंप्लीट सेम है, तो इक्वल का साइन लगा दिया। नेक्स्ट आप चेकआउट करेंगे, कोमा एज इट इज है, ये 58 लाख, तो यहाँ 58 सेम, इधर भी सेम, यहाँ 92,000, यहाँ पे भी 92,000। इस 100 में आप नोटिस करो, जो सेम है उसको आप छोड़ दीजिए, 100 में देखो, यहाँ पर 100 है 318 और वहां है 518, तो 318 से 518 ग्रेटर होता है, इसलिए ये वाला नंबर ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, 7 करोड़ 52 लाख 86,000, यानी यहां तक का पोर्शन सेम है, इसमें भी 7 करोड़ 52 लाख 86,000, यहां तक का सेम है। सिर्फ इस 100 पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे 401 है और वहां पे 801 है, तो 801 ग्रेटर होता है। नेक्स्ट, 3 करोड़ 2 लाख 58,000, 3 करोड़ 2 लाख 57,000, यानी आप इस 1000 पे ही गौर अगर कर लीजिए, यानी यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर 58,000 है और यहाँ पर 57,000 है, यानी ये नंबर ग्रेटर होगा। 6 करोड़ 2 लाख 40,000, 6 करोड़ 2 लाख 39,000, यानी यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे 39,000 है, तो यहाँ से ही अपन को ग्रेटर का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी स्मॉलर, ग्रेटर या इक्वल टू वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इस तरीके से जो मैंने छोटी छोटी बात बताई है वो आपको फॉलो करते हुए करना है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो आपका जो है क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, टू टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसमें छोटा सा यही कंफ्यूजन हो जाता है कि जब असेंडिंग ऑर्डर आता है तो हम किस ऑर्डर में अरेंज करें, डिसेंडिंग आता है तो किस ऑर्डर में अरेंज करें। तो इसका सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर देखो, असेंडिंग की स्पेलिंग जो है वो ए से शुरू होती है, और हमारा जो इंग्लिश में हम अल्फाबेट पढ़ते हैं एबीसीडी, उसकी स्टार्टिंग भी ए से होती है। और क्लास के अंदर जब प्रेयर के लिए लाइन बनाना हो या कहीं के भी ये लाइन बनाना हो, तो हम सबसे पहले किसको आगे खड़ा करते हैं, छोटे बच्चे को, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है बाकी सबसे। तो वैसे ही आपको उस दिमाग में उस छोटे से पॉइंट को रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में वही नंबर सबसे पहले आएगा जो सबसे छोटा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ चलना, बड़े से नीचे की तरफ, तो इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है। तो सबसे पहला काम मैंने जो आपको बताया डिजिट काउंट करना है, जिसमें डिजिट ज्यादा होते हैं वो नंबर ग्रेटर होता है। तो सबसे पहले मैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब लिख देता हूं, लार्जर टू स्मॉलर, यानी बड़े से छोटा। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होंगे, तो देखो मैंने कॉमा भी लगा लिया, उससे हेल्प मिल गई, ये 2,58,643, ये 25 लाख, ये 2 लाख,
ये 25 लाख, ये 2 लाख, 25 लाख, इसका मतलब बड़ों की कैटेगरी में 25 लाख वाला नंबर होगा, क्योंकि 2 लाख वाला तो छोटा होगा। अब इन तीनों में आप देखेंगे जिसपे मैंने डबल टिक लगा रखा है, 25 लाख सब में कॉमन है। फिर 1000 की बात करते हैं, यहाँ 89,000, इधर 89,000, इधर 87,000, तो ये जो 87,000 वाला है वो तो नंबर है छोटा, तो वो 87,000 वाला आपके थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अब अपन इन दोनों की बात करते हैं, तो 89,000 दोनों में कॉमन है, तो 100 की बात करो तो यहाँ पर आपका 643 है, और यहाँ पर 100 की बात करें तो 746 है। आगे का पोर्शन सेम है, सिर्फ 100 में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो 643 और 746 में ग्रेटर होता है 746 वाला, यानी वो नंबर जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो 25 लाख, 89,000, 746, ये नंबर जो होगा सबसे बड़ा। फिर ये नंबर आ जाएगा 25 लाख, 89,000, 643। अब वो थर्ड नंबर वाला 25 लाख वाला नंबर 25 लाख, 87,000, 163। अब बात करते ये 25 लाख वाले हो गए, अब 2 लाख के अंदर बात करते, एक ये नंबर है 2 लाख में, एक ये है और एक ये है, ये वाला नंबर, इनके अंदर 2 लाख के बाद में 1000 की बात करते हैं, 58,000, 58,000, 58,000, 100 की बात करते हैं तो यहाँ 643, यहाँ आपके 469 और यहाँ 163। तो सबसे बड़ा 100 की बात करें तो ये 643 होगा, फिर 469 और वो 163 सबसे लास्ट में। तो पहले ये आ जाएगा 2,58,643, फिर 469 वाला, तो 2,58,469 और सबसे लास्ट में हो जाएगा 163, यानी 2,58,163। इतना ध्यान रखेंगे तब जाकर ये जो छोटा छोटा देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, आगे के डिजिट देखकर आप बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखे, क्योंकि इसमें सब में आगे के डिजिट सेम है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन के लिए आप क्या करें, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर ले, जिसमें ज्यादा डिजिट होते हैं वो नंबर ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमारे वही डिसाइड हो गए कि ज्यादा डिजिट किसमें थे, वो नंबर सबसे बड़े होंगे। तो उसमें हमारे 3 नंबर आ गए थे 25 लाख में। अब उनके अंदर भी आप आगे से नोट डाउन करते रहे, आगे से नोटिस करते रहे कि उसमें कहां तक कॉमन आ रहा है, जहां तक कॉमन आ रहा है वो तो कॉमन हो गया, लास्ट में फिर क्या डिफरेंस आता है उस पर सर्किल ड्रॉ कर लिया करें। जैसे ही आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ छोटा सा नंबर आपके लिए बच जाएगा 100 के अंदर। तो 6 जैसे मान लीजिए 100 में, फिर आसानी से अपन कंपेयर कर सकते हैं कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। तो जो मैंने तरीका इसके अंदर अप्लाई किया है, यही तरीका आप इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे और इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन में जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। उसमें आपको दिया हुआ है कि 5 सिटीज है, 5 छोटे शहर है, उनकी पॉपुलेशन हमको दे रखी है और उस पॉपुलेशन को अपन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सिटी दे रखी है और साथ में उसकी पॉपुलेशन दे रखी है, तो सिटी ए बी सी डी और ई, ए की पॉपुलेशन दे रखी है 2,22,236, बी की पॉपुलेशन दे रखी है 3,07,713, सी की पॉपुलेशन दे रखी है 2,40,928, फिर डी की पॉपुलेशन दे रखी है 3,42,239, और ई की पॉपुलेशन दे रखी है 3,08,000
252। अब इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इस पॉपुलेशन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर टू लार्जर। तो सबसे पहले तो आप यही नोटिस करेंगे कि सब में डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो सब में सेम है, यानी सब सिक्स डिजिट नंबर है। तो आप इसमें सबसे छोटा नंबर जो ढूंढेंगे, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले लैख में, सारे नंबर लैख में है, तो यहाँ पर 2 लैख है और यहाँ पर भी 2 लैख है, यानी सबसे छोटा 2 लैख है, क्योंकि बाकी के जो 3 नंबर है वो सारे 3 लैख में है। तो इन दोनों में स्मॉल की बात करते हैं, तो यहाँ 1000 में 22000 है और यहाँ 40000 है। अपने को स्मॉल चाहिए तो 22 वाला हो जाएगा, इसका मतलब सबसे जो स्मॉल नंबर होगा 2,22,236। फिर नेक्स्ट ये नंबर हो जाएगा 2,40,928। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अब 3 लेख की बारी है, तो 3 लेख में आपके यहाँ देखो 7,000, यहाँ 42,000 या 8,000। तो 3,07,000 वाला नंबर थर्ड नंबर पे आ जाएगा, 3,07,713। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा 3,08,252। और फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा आपके 3,42,239। अब इसके अकॉर्डिंग आप सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सिटी कौन सी होगी जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, तो उसमें हमारा ए नाम हो जाएगा। फिर ए के बाद में नंबर आया था सी का, सी के बाद में नाम आया था बी का, बी के बाद में नाम आया है इसमें ई का, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है डी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसका सक्सेसर और प्रेडिसर नंबर लिखना है। सक्सेसर का मतलब होता है उसका अगला नंबर, और प्रेडिसर का मतलब होता है उसके पीछे जो नंबर आता है वो आपको लिखना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हमने कर लिया है एक्सरसाइज 1.2 को। इसका अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सक्सेसर एंड प्रेडिसर। राइट प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो भी नंबर लिखे हुए होंगे उसका आपको सक्सेसर भी लिखना है और प्रेडिसर भी लिखना है। तो सबसे पहला नंबर है इसमें 2,47,831। तो इसके अंदर इसमें आपको प्रेडिसर लिखना है। तो सबसे पहले इसका जो प्रेडिसर होगा वो 31 है, देखो सबसे लास्ट में 831 है, तो 31 से पहले आता है 30, यानी इसका जो प्रेडिसर हो जाएगा 2,47,830। और इसका जो सक्सेसर हो जाएगा वो इसका अगला नंबर, तो 31 का अगला होता है 32, तो 2,47,832। यानी आपको प्रेडिसर लिखना है तो उस नंबर के पहले क्या आता है वो लिखना, और सक्सेसर का मतलब इस नंबर के आगे क्या आता है वो लिखना। सेकंड इसमें है 37,91,035। तो इसमें आपको सक्सेसर और प्रोड्यूसर लिखना है, तो प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं, तो 35 है पीछे, तो 35 से पहले आता है 34, तो 37,91,034 इसका प्रोड्यूसर, और सक्सेसर जो होगा 37,91,036। तो इस तरीके से बाकी के आप जो नंबर है उनमें सक्सेसर और प्रोड्यूसर आपको लिखना है। इनमें आप जो मैंने तरीका बताया फर्स्ट और सेकंड, ये तरीका आपको फॉलो करना है।
फिर सिक्स, सेवेंथ, और एट। ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन में आप जो फर्स्ट और सेकंड में तरीका बताया है उसको फॉलो करते हुए इनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज जो था 1.2, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने स्मॉलर लार्जर जो है उसका अपन ने क्वेश्चन किया, फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का, और एक लास्ट टाइप का जो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहता है सक्सेसर और प्रेडिसर का। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।